feel the waves cut through me, hypnotized by the... स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। दोस्तों बता दूँ जानकारी के लिए मैं आया था यहाँ पर शूटिंग लोकेशन की फिल्म की बनाने के लिए वीडियो, और जो कि मैंने वीडियो तो बना ली है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना दूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ पिनाट शहर में जो कि चंबल नदी के पास हूँ मैं अभी। और दोस्तों यहाँ की चंबल नदी जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, और यहीं पर ये दिन फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो कि सारी वीडियो आपको मेरे पहले वाले चैनल में मिल जाएंगी। और ये मैं नया चैनल है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको चंबल नदी दिखाऊँ। तो मेरे पीछे की तरफ दोस्तों चंबल नदी, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं घड़ियालों को देखने के लिए। और दोस्तों ये पुल है पीछे की तरफ जिससे हम आए थे अभी। और दोस्तों अभी हम हैं एमपी में, और वो उधर की साइड जो जगह है वो यूपी का बॉर्डर है। तो पुल पार करके हम इधर की तरफ आए हैं। अभी हम घड़ियाल देखने के जा रहे हैं क्योंकि एक अंकल ने बताया तो जो घड़ियाल है वो आगे तरफ देखने को मिलेंगे। तो ये नदी का नज़ारा कुछ ऐसा है, और अब मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ का सीन दिखा देता हूँ कैसा है। दोस्तों ये रेत पड़ी हुई सारी देख सकते हैं आप, और ये चंबल नदी है पिनाट शहर की, और पुल सामने की तरफ है, और ये रेत के टीले हैं सामने की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे घड़ियाल जो कि दोपहर के टाइम में निकलते हैं। फिलहाल अभी हमें एक भी घड़ियाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं साथ देखें तो आपको भी दिखाएं। और कुछ पक्षी हैं जो कि पानी के ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये है चंबल नदी के शानदार नज़ारे, और मेरे सामने की तरफ है यहाँ पर रेत के टीले जो कि रेत बिखरा हुआ पूरे में। तो बता दूँ हमें घड़ियाल नहीं मिले देखने के लिए, लेकिन वो दोपहर के टाइम में आते हैं यहाँ पे पानी से निकल के बाहर, और यहीं पर ही वो लेट जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं रेत के टीलों में। और काफ़ी शानदार जगह है दोस्तों। तो अभी हम और आगे जा रहे हैं, देखते हैं साथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो भी होगा आगे का सीन आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम यहाँ पर घड़ियाल देखने के लिए आए थे, लेकिन घड़ियाल तो मिले नहीं देखने के लिए, बस चंबल नदी मिली। और कभी मौका मिला ज़िंदगी में तो मैं ज़रूर घड़ियाल दिखाऊंगा आपको किसी टाइम में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और रेतीले टीले देख लीजिए आप एक बार फिर से। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको वीडियो चला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इस नए यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।